राहुल गांधी का सरकार पर हमला, बोले सरकार संसद में बिल पर चर्चा से डरती है। तीनों कृषि कानून किसानों पर बड़ा हमला था। ओमिक्रॉन की आहट के बीच मुंबई में बच्चों के स्कूल फिर से खोलने पर विचार, लोगों से सतर्क रहने की अपील। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष सख्त, साझा बयान जारी कर फैसले को बताया अलोकतांत्रिक, कल बुलाई बैठक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा प्रदूषण पर दिए निर्देशों का राज्य ने पालन नहीं किया तो हम बनाएंगे स्वतंत्र टास्क फोर्स। परमबीर सिंह और सचिन वाजे की मीटिंग की जांच करेगी मुंबई पुलिस, दोनों चांदीवाला कमीशन के सामने हुए थे पेश। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। साल 2017 से बंद पड़ी सितारगंज सहकारी चीनी मिल का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गन्ना विकास मंत्री स्वामी यतिस्त्रानंद ने मिलकर चीनी मिल का शुभारंभ किया। मिल का शुभारंभ करते हुए लोगों को सीएम ने बधाई दी। सितारगंज चीनी मिल को उन्हें चलाने का मांग की गई थी, लेकिन 5 साल के समय बीतने के बाद सरकार ने एक बार फिर सितारगंज चीनी मिल को चलाने का निर्णय लिया और चीनी मिल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान के साथ शुभारंभ किया। के जाने की लगातार उनके बीच में से लगातार जरूरत, लगातार मांग आती रही। आज चूंकि बड़ा शुभ अवसर है, 4 वर्षों से बंद हमारी सितारगंज चीनी मिल चालू हुई है, तो इस शुभ अवसर पर हमने 355 रुपए अगेती प्रजातियां। चमोली जिले के दशोली ब्लॉक के कठूड़ गांव में लोगों ने अपने प्राथमिक विद्यालय कठूड़ में अध्यापकों की मांग की है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कठूड़ है, जहां पर पठन पाठन मात्र का जिम्मा मात्र एक अध्यापक के भरोसे है, जबकि छात्र संख्या 25 से ऊपर तक की है। वैसे पिछले साल से इस बार यहाँ गाँव वालों के सहयोग से छात्र संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि एक समय ऐसा था यहाँ विद्यालय छात्र संख्या के अभाव से बंद होने वाला था, लेकिन गांव के लोगों ने फिर अपने ननिहालों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर अपने सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला करवाया, जिससे विद्यालय में छात्र संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण इससे पहले भी डीएम और शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के लिए ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। गाँव के प्रधान लक्ष्मण कनवासी ने कहा कि अगर जल्द से हमारी स्कूल में अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की जाएगी तो पूरी ग्राम सभा आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग चमोली ने गांव वालों को आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द अध्यापक मिल जाएंगे। स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ रही है, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। इससे लगता है कि जो हमारे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें टीचर्स की आवश्यकता है तो नई नियुक्तियाँ आजकल चल रही हैं, हम टीचर वहाँ भेज देंगे। और जब तक वहाँ पे जो ना वो अगर सुगम का स्कूल होगा, सुगम में अगर दिक्कत आ रही है हमें टीचर भेजने में, क्योंकि जो नई पोस्टिंग दुर्गम में होनी है, तो हम नियर बाई आसपास से कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हम ऐसा कोई स्कूल नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे छात्र संख्या ज़्यादा हो और टीचर की कमी हो। सर, कठूर को लेकर आपकी कार्रवाई क्या? कठूर के लिए मुझे फ़ोन आया था जो विधायक प्रतिनिधि हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि जो ना कि वहाँ छात्र संख्या बढ़ी है, तो इसलिए हम कहीं ना आसपास से टीचर दे रहे हैं और आज ही व्यवस्था हो जाएगी। सर, हमारे यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय कठूड़ा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे छात्र संख्या पिछली बार से इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे एक अध्यापक की सख्त जरूरत है, और एक ही अध्यापक के होने के कारण कभी उनके अपने ऑफिस के काम होते वहाँ चले जाते हैं, तो इससे हमारे बच्चों की जो है पढ़ाई बाधित हो जाती है। मेरी शासन से, प्रशासन से और विशेष शिक्षा विभाग से निवेदन है, प्लीज़ आप हमारे यहाँ पे अध्यापक की व्यवस्था कीजिए। मैं प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्राथमिक विद्यालय कठूड़ में पिछले 3-4 सालों से एक ही अध्यापक कार्यरत है, जबकि छात्र संख्या 25 से 30 है। तो जो वर्तमान में अभी अध्यापक हैं हमारे, सारा काम वही करे, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, ऑफिस के वर्क हो या मध्यान्ह भोजन हो, सारा काम इन्हीं को देखना पड़ता है, तो इसमें पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान होता है। तो प्रशासन से हमने पहले भी गुहार लगाई है कि यहाँ पर अध्यापक की एक सख्त आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन ने इसमें कोई पहल नहीं की है। और छात्र वर्तमान में जैसे कि प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं कम छात्र की वजह से,
तो हमारे विद्यालय में तो 25 से 30 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर कम से कम 2 अध्यापक तो होना अति आवश्यक है। और हमने ये प्रशासन से पहले भी मतलब प्रयास किया है और अभी हम मतलब प्रशासन से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विद्यालय में अध्यापक की पूर्ति करें। स्कूल में अध्यापक एक ही है और हमारे बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में एक अध्यापक चाहिए और हमारे बच्चे आगे बढ़ें और हमारे स्कूल में हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे स्कूल में एक अध्यापक चाहिए, इसीलिए हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। चमोली के महाविद्यालय गोपेश्वर में परीक्षा में उपस्थित छात्राओं के अंक तालिका में अनुपस्थिति लगी, इस कारण लोगों में रोष देखने को मिला और लोग नाराज हो गए। NSUI के छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कॉलेज गेट पर देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला भी फूंका गया। नाराज छात्रों ने प्रशासन और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी की। हंगामे को लेकर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि विपिन ने कहा कि महाविद्यालय में परीक्षा में उपस्थित छात्र छात्राओं के अंक तालिका में अनुपस्थिति दर्ज की गई है। छात्रों ने सेमेस्टर में विषयों को लेकर अपनी मांग भी रखी है। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमें जो सब्जेक्ट चाहिए जिसके योग्यता है, हम अगर हम ग्रेजुएशन कर भी लेते तो क्या फायदा अगर हमें जो सब्जेक्ट नहीं मिलते, जो हम चाहते हैं वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे। खबर चंपावत टनकपुर से है जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने चंपावत दौरा किया और साथ ही विजय शंखनाद यात्रा के तहत चंपावत से टनकपुर तक शंखनाद यात्रा निकाली। इसके साथ ही उन्होंने टनकपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं प्रेस के साथ बातचीत के दौरान दिनेश मोहनिया ने विधानसभा प्रत्याशी को लेकर रास्ता साफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड में जितने भी विधानसभा प्रभारी है आगे भी वही विधानसभा प्रत्याशी के उम्मीदवार होंगे। उनके इस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि 55 विधानसभा चंपावत से उन्होंने मदन सिंह मेहर को विधानसभा प्रत्याशी चुना है। जो हम प्रभारी हैं वो अभी तक नियुक्त कर चुके हैं और इनके नाम हम रेकमेंड करके अपनी जो सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है PAC उसको भेजेंगे, वहां से फिर ये रेकमेंड नाम जो है वो प्रत्याशी के रूप में घोषित होंगे, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है आम आदमी पार्टी में और लगभग जो अभी हमने प्रभारी घोषित करें वही हमारे प्रत्याशी। लंढौरा के डीजल में पानी मिलाने और घटतौली का आरोप लगाते हुए लोगों ने पेट्रोल पंप पर हंगामा किया। मामला बढ़ता देख कर्मचारियों ने वाहन स्वामी को उसका वाहन दुरुस्त कराने और तेल की रकम लौटाने के बाद ही मामला शांत हुआ। पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई। लोगों के हंगामा करने पर कर्मचारियों ने गाड़ी पे हुए नुकसान का खर्च देने का आश्वासन भी दिया और दोनों वाहन स्वामियों के उनके तेल की कीमत लौटाने के बाद मामला शांत हुआ। सोचने वाली बात ये सामने आई कि एक तरफ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं ऐसे में पेट्रोल पंप पर मिलावटखोरी कर डीजल तेल में पानी मिलाकर लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। रुड़की के ढंडेरा में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि मोहम्मद शमी युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुर सिखाने के लिए पहली बार देवभूमि उत्तराखंड के खानपुर क्षेत्र पहुंचे। मोहम्मद शमी ढंडेर महाराणा प्रताप स्कूल पहुंचे जहां सैकड़ों की संख्या में स्कूल स्टाफ और बच्चे मोहम्मद शमी के इंतजार में घंटों से बैठे थे, लेकिन व्यवस्था की कमी होने की वजह से मोहम्मद शमी गाड़ी से नीचे नहीं उतर पाए। बाद में बच्चों ने बताया कि हम लोग काफी घंटों से मोहम्मद शमी का इंतजार कर रहे थे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत देर से खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कब हमारे जो समाजसेवी हैं उमेश कुमार जी और मोहम्मद शमी जी का वेट कर रहे हैं और हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं। शायद हम गाँव की वजह से लेट होंगे क्योंकि हम रूल और रेगुलेशन का शायद अच्छे से पालन नहीं किया जो सर्विस चले गए। शायद वैसे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे मोहम्मद शमी जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है उसके लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे देश में हमारे क्षेत्र में आ रहा था, उसके लिए बहुत आप देख सकते हैं लोगों का बच्चे कितना एक्साइटमेंट था बच्चों में और यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण वो उतर नहीं पाए और इसलिए वे चले गए।
सितारगंज के नगर पालिका परिसर में बने गोदाम में आग लग जाने से कई दुकानों में रखे सामान में भी आग लग गई। कहा गया कि गोदाम प्लास्टिक के कूड़े दानों से भरा हुआ था, जिस कारण आग लगते ही तेजी से फैल गई और इतनी भीषण रूप ले लिया कि मौके पर पहुंची दमकल टीम की तरफ से आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग लगने से दुकानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। नगर पालिका से सटी कई दुकानों में भी लोगों ने आनन फानन में सामान को बाहर निकाला। ऋषिकेश में कुछ दिनों पहले श्यामपुर क्षेत्र स्थित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में करीब 30 लाख की चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी करने के मामले में पुलिस ने पुराने नौकर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी रिश्तेदार हैं, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई रकम से 22 लाख नगद, दो चादर, हथौड़ी और सूरत की रस्सी बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। बता दें कि ऋषिकेश कोतवाली में मामले का खुलासा एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने किया। खुलासा करने वाली टीम में कोतवाली पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम की भी बड़ी भूमिका रही है। दिनेश और पंकज को फिर इनको पकड़ा गया तो इनके पास से 22 लाख रुपए कैश बरामद किए गए और ये दोनों ही चिन्यालीस और उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। पूर्व में दिनेश इनके यहाँ ऑफिस बॉय के रूप में काम करता था, तो इसको पूरी मोटर सप्लेंडी पता थी कि पैसे का कैसे आता है, फिर कब बैंक में ले जाके जमा करते हैं और बैंक पैसा जो आता है तो उसको कहाँ रखा जाता है, तो उसको पता था, पिन पॉइंट था कि पैसा यहाँ पे रखा जाता है और ऐसे ऐसे पैसा आता है। तो वो वहीं पे जो इनकी कंपनी है, कंपनी के बाहर ही चाउमीन की ठेली भी लगाता था, जिससे कि उसका गुजर बसर बता रहा था कि नहीं हो पा रहा था। तो उसको लालच भी आया कि वहाँ पे पैसे आते रहते हैं और फिर अपने ही रिलेटिव के साथ प्लान बना के और एक पहले ऑफिस का शीशा उखाड़ने की कोशिश किया, लेकिन शीशा भारी होने की वजह से नीचे गिर गया। विकासनगर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले नावघाट पुल का उद्घाटन विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। बता दें कि इस पुल की लंबाई 540 मीटर है और पुल की लागत लगभग 43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पुल को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग देहरादून की देखरेख में खारा कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है और पुल 2 साल में बनकर तैयार होना है। वहीं इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पुल के बन जाने से विकासनगर क्षेत्रवासियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसको पुल नहीं बल्कि विकासनगर क्षेत्र के डेवलपमेंट का एक नया रोजगार सृजन और बाजार के कारोबार के विकास के लिए एक नया भाग्य रेखा समझिया और इस पुल के महत्व को समझने के लिए विकासनगर और सामने जो सिरमौर का इलाका है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। यहाँ रोटी बेटी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है और जैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ, हिमाचल के इस भूभाग का परंपरागत व्यापारिक केंद्र विकासनगर रहा है, लेकिन आवागमन की कनेक्टिविटी की समस्या होने की वजह से मजबूरन विकासनगर के बाजार से उन्हें वंचित रहना पड़ रहा था, या ये कह लीजिए विकासनगर के हमारे व्यापार को अपने वहाँ के ग्राहक देवताओं से दूर होना पड़ रहा था। आपको बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूँ विकासनगर तहसील क्षेत्र के नावघाट पुल पे, जहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा विकासनगर और निकट हिमाचल वासियों को एक पुल के रूप में, एक सौगात के रूप में दी जा रही है और इस पुल का उद्घाटन माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर विधायक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये पुल लगभग जो है 43 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनेगा और इस पुल से जो है ये पुल इस क्षेत्र वासियों को एक वरदान साबित सिद्ध होगा और विकास देहरादून की जो कार्यदायी संस्था है NH देहरादून इस पुल को बना रही है और आज इस पुल का उद्घाटन भी माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। यहाँ के वासिंदे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस पुल के बनने से क्या क्या फायदे होंगे, क्या फायदे होंगे सर? वैसा इस पुल के बनने से इतने फायदे हैं कि एक तो विकासनगर और हिमाचल प्रदेश, हमारे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का एक नया वरदान मिला है और बाजार को नई प्रगति मिलेगी। बाजार में, व्यापार में इतनी प्रगति होगी कि आने वाले समय में
लगेगा कि लोगों को हाँ भाई इस पुल से कितना फ़ायदा हुआ है। जब लोग हिमाचल के लोग आते थे तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, वाया कुल्हाल से होने आते थे और यहाँ से लोग पैदल जा करते थे। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी के प्रयासों से और ब्लॉक प्रमुख जसविंदर बिट्टू जी के प्रयासों से ये पुल जो इसका शिलान्यास आज हो रहा है, इसके उपलक्ष्य में इतना कहना चाहूँगा कि हमारे विकासनगर के व्यापारियों को और विकासनगर के लोगों को, हमारे इस क्षेत्र की जनता को इतना लाभ होने वाला है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का मिलन हो रहा है और अब उसकी रिश्तेदारियाँ हैं। और ऐसा भी लगता है कि कभी कभी उस पुल को बहुत ज़्यादा मतलब जो भीड़ भाड़ हो जाती थी तो कोई रास्ता ऐसा नहीं होता था, कभी आदमी इमरजेंसी में कहीं जाना चाहे, इस पुल से ये भी होगा कि भाई अगर उधर से कोई दिक्कत वाली बात होती इस पुल से हिमाचल के अंदर प्रवेश करने का काम होता है। सचमुच ये पुल जो बनेगा इसमें दो संस्कृतियों का मिलन होगा और जो हिमाचल और विकासनगर तहसील क्षेत्र वासियों के बासिंदों के लिए जो है ये पुल वरदान साबित सिद्ध होगा। अब देखना है कि इस पुल से इस क्षेत्र वासियों के प्रगति के द्वार, आर्थिकी के द्वार कैसे खुलते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल हेड नवद्रोथान की ये रिपोर्ट। लंढौरा के एक नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान नवजात का हाथ टूटने के बाद उसकी मौत हो गई। घटना के दो दिन बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। एसीएमओ और स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर जांच के लिए नर्सिंग होम पहुंचे तो नर्सिंग होम बंद मिला। एसीएमओ ने महिला डॉक्टर और बच्ची के पिता से मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो डॉक्टर, महिला और बच्ची के पिता का फोन भी बंद मिला, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम बनी किसी कार्रवाई के ही लौट गए। और एसीएमओ विवेक तिवारी ने कहा कि लोगों को जागरूकता की कमी है, इसके कारण ही झोला छाप डॉक्टर को बढ़ावा मिलता है, यही वजह है कि ऐसी घटनाएं सामने आती है। उन्होंने प्रसव के दौरान सरकारी अस्पतालों पर ही जाने की बात कही। सूचना हम लोग को मिली थी तो आज आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि मैं जाकर उसकी जांच करूं और हमारे साथ सीएमओ ऑफिस से गब्बर सिंह रावत जी और मनोज जी भी साथ में आए हम लोग जांच के लिए। तो हम लोग घटनास्थल पर भी गए थे और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम भी वहाँ पहुँची थी साथ में, लेकिन वहाँ पर घटनास्थल पर जाने पर नर्सिंग होम जो है बंद पाया गया, वहाँ पर ताला लगा हुआ था और जो बोर्ड पर उन्होंने नंबर दे रखे हैं उन दो नंबरों पर भी हमने संपर्क करने की कोशिश की तो दोनों मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ आ रहे हैं। फिर हमने जो शिकायतकर्ता हैं अफजाल जी उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन भी बंद पाया गया है तो संपर्क नहीं हो पाया किसी से। तो अभी तो फिलहाल हम अपनी आंखें लालकुआ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदु खत्ता में पिछले 12 दिनों से बिना डॉक्टर के चल रहा है। अस्पताल में ज्यादा स्टाफ होने के बाद भी चिकित्सा अधिकारी को बिंदु खत्ता से हटा दिया गया है और उसे मोटा हल्दू चिकित्सालय का कार्यभार सौंप दिया गया है, जिससे सैकड़ों लोग बिना डॉक्टर के अस्पताल से वापस लौट रहे हैं। वहीं केंद्र में तैनात एक फार्मासिस्ट दवाइयों के साथ ही मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदु खत्ता में होम्योपैथिक डॉक्टर भी नदारद रहते हैं, जिसके कारण होम्योपैथिक औषधि के मरीज को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में कुल 6 कर्मचारी तैनात है, जिसमें से सिर्फ 3 ही कर्मचारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। यही नहीं, सरकारी अस्पताल में एक भी वार्ड बॉय और स्वच्छक तैनात नहीं है, जिससे अन्य अस्पताल कर्मियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है, वो मोटा हल्दू में हमारे मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ के प्रभारी हैं वो बीच में कुछ छुट्टी पे चले गए थे तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी है उनकी जगह पे, तो उनका 10-12 दिन की लगभग हो चुका है उनको वहाँ पे। इसमें जो भी मरीज थे जो मेरे लायक के थे मैंने अपने आप भी खुद ही देखा, मैं ओपीडी होकर मैं। ज्वालापुर विधानसभा के लामग्रंट में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली कार्यक्रम का आयोजन किया। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों के बीच नफरत पैदा करने में चुनाव लड़ती है और ये देश की भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रही है। इस मौके पर इंजीनियर एसपी सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिल तो वापस लिया लेकिन उसका क्या होगा जो किसान शहीद हो गए। सरकार उनकी जिम्मेदारी ली और जिन परिवार से हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।
इसीलिए मैंने सबके सामने शपथ दिलवाई कि वो जिताने के लिए किसी को भी टिकट मिलेगा उसके साथ मोबाइल। कांग्रेस ने जितने यहाँ विकास कार्य किए उसके बाद में विकास कार्य नहीं हुए, इसका दो इसका दोष बीजेपी का है, स्पष्ट होकर बीजेपी का है और हरिद्वार उसके लिए बीजेपी को दंडित होगा। मंत्री जी तो ड्रामा करते रहते हैं, उनको पता दिखा दिया गया जबकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हारी, राजस्थान में हारे, जब हार का सिलसिला जब चालू हुआ उनको दिखाई दिया कि किसानों का डंडा जो भारी पड़ रहा है और उस डंडे की मार की वजह से भी अभी इन्होंने देख लिया कि 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में अब इलेक्शन आने वाले हैं और अगर अभी भी यहाँ पे इन कृषि कानूनों के पीछे नहीं हटे हम तो जो है क्या नाम इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जल्दी। और एक चीज़ और बता दूँ, उन्होंने कानून वापस ले लिए हैं परंतु उनका क्या हो गया जो 750 लोग मरे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है उस सरकार। खबर ऋषिकेश से है जहां पर श्यामपुर खदरी से जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खदरी श्यामपुर की ग्राम प्रधान संगीता थपड़ियाल ने की। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर कई क्षेत्रों से जुड़े समाज से भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम संचालन के समय जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीण जनता को अपने 2 साल में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक किया है। जनता ने जिला पंचायत सदस्य को बने हुए कार्यों और समस्याओं से अवगत कराया। जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने कहा कि 2 साल पूरे होने पर कई कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं, जिसमें सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट का काम, युवाओं के लिए खेल मैदान जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। इस रिपोर्ट कार्ड में जनता को अपने प्रयासों से किए गए कार्यों से अवगत कराया गया और जनता की समस्याएं सुनकर उनका निवारण भी किया गया और भरोसा जताया। विधानसभा ज्वालापुर के ग्राम लामग्रंट में महंगाई को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि ये की जनता का कहना है, मौजूदा विधायक बग्गी चलाने वालों से भी 200 रुपए वसूलते हैं, जहां कड़ी मेहनत के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ऐसे घूस लेने वाले विधायक को हरिद्वार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली के रूप में यहाँ पर ये आयोजन किया है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में जनता के मनों में हर आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ और ये आक्रोश 2022 के चुनाव में आपको दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी जो 60 पार का नारा दे रही है वो उत्तराखंड पार हो जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।